हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एविएशन ड्रीमर एंड मैं हूं आपके दोस्त परेश। सो फ्रेंड्स, आज भी मैं विश्व एयरलाइंस के एक न्यू जॉब की नोटिफिकेशन लेके आप लोगों के लिए आया हूं। एंड यहां पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को विश्व एयरलाइंस की लॉयल्टी मेंबर सर्विस डिपार्टमेंट की सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजिशन के लिए हो रहा है। सो कोई भी मेल या फीमेल इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इस वैकेंसी में ज्यादातर फीमेल एप्लीकेंट को ही प्रेफर्ड किया जाता है। एंड ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी बेसिकली आप लोगों को लॉयल्टी मेंबर जो होते हैं उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। सो लॉयल्टी मेंबर क्या होते हैं, जिस टाइम आप फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते हो तो उस टाइम पर हर एक एयरलाइंस का फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड होता है, जो बेसिकली विस्तरा एयरलाइंस में लॉयल्टी मेंबर कार्ड्स बोला जाता है। सो इस टाइप का जो प्रीमियम क्लास की सर्विस प्रोवाइड किया जाता है जो पैसेंजर्स को, उस पैसेंजर्स को आप लोगों को हेल्प करना है। सो फ्रेंड्स, आप अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अप्लाई करने की प्रोसेस आप लोगों को डिटेल्स में बताया जाएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की एविएशन की नया नया जॉब की नोटिफिकेशन मिलने के लिए। और आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है एविएशन जॉब के रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन की आंसर दूंगा या डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड की द्वारा, एंड उसके साथ साथ आपके पास एक्सीलेंट वर्बल या रिटन स्किल होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपके बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, प्लेजेंट पर्सनैलिटी होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली आपके पैसेंजर हैंडलिंग टाइप की जॉब है। एंड ऑलवेज विस्तरा एयरलाइंस रिक्वायर्ड हाई अटेंशन टू डिटेल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ARD एंड DCS की अगर आपके पास नॉलेज है तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, यू शुड वर्क इन मल्टीपल सिस्टम्स। एंड नेक्स्ट, एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज टेक्स। बेसिकली आप अगर VIP पैसेंजर को सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपको प्रायोरिटीज के बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। एंड ये हर एक एयरलाइंस के अलग अलग होते हैं। जिस टाइम पे आपको ये जॉब मिलेगा, एयरलाइंस के द्वारा आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा कि उस एयरलाइंस की क्या गाइडलाइन है वो डिटेल्स में। एंड अगर स्किल की बात करें तो इंडिपेंडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड टीम प्लेयर पर्सन आपको होना चाहिए। सो ये सारे रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 3 to 5 years के कस्टमर सर्विस रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते। आई होप कि बहुत सारे फ्रेंड के पास ये एक्सपीरियंस रहेगा एंड वो सब लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड एविएशन में वो अपना ट्राई ले सकता है। सो आप अगर सोचते हो कि ये वैकेंसी के लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ग्राउंड स्टाफ या केबिन क्रू जॉब में अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाउ टू बिकम ए केबिन क्रू और हाउ टू बिकम ए ग्राउंड स्टाफ की रिलेटेड जो वीडियो की लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया, वो सारे वीडियो आप देख सकते हो एंड खुद ही प्रिपरेशन कर सकते हो केबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको जाने की कोई जरूरी नहीं होगा, आप डायरेक्टली प्रिपरेशन करके फिर इंटरव्यू में जाके इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।